एक भयानक हादसा का शिकार हुआ अर्जेंटीना के डिफेंडर लुसियानो सांचेस। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये इंजरी उनके करियर को लगभग खत्म कर दिया है। इस इंजरी के पीछे अपने आप को दोषी मान रहे ब्राजील के डिफेंडर मार्सेलो, टैकल करते समय अनजाने में लुसियानो सांचेस के पैर बुरी तरह टूट गया। साथ अमेरिका का लीग कोपा लिबर्टाडोरेस के मैच के दौरान मंगलवार 1 अगस्त को यह दर्दनाक हादसा हुआ है। इस इंजरी में खुद को दोषी मान रहे ब्राजीलियन डिफेंडर मार्सेलो, वह अपने आप को माना नहीं पा रहे हैं कि मेरी वजह से किसी खिलाड़ी का करियर बर्बाद हो सकता है। उसकी वजह यही है कि पैर इस तरह टूटा है कि यह बहुत बड़ा इंजरी है, इसलिए मार्सेलो दोषी महसूस करते हुए फूट फूट कर रोने लगा। यह घटना मैच के 56वें मिनट में हुआ है, जब मार्सेलो बॉल लेकर आगे बढ़ रहा था, लुसियानो सांचेस तेजी से आकर बाया पैर आगे कर दिया। मार्सेलो गलती से टैकल कर बैठे और लुसियानो के पैर बुरी तरह टूट गया। मैच खत्म होने के बाद मार्सेलो ने मीडिया से कहा, मैंने आज मैदान में बहुत कठिन वक्त गुजारा है, बिना किसी इरादा के मैंने एक साथी फुटबॉलर को घायल कर दिया है, मैं उनके पैर जल्द ठीक होने की कामना करता हूँ। खेल से जुड़े हर खबर जल्द पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।